इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मोहसिन दावर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नजर आ रहा है, कुछ सरप्राइज मिल रहा है वज़ीर आज़म की जन्म से मजीद भी? नहीं, मेरे ख्याल में वो जितने भी उनके कारतूस थे वो इस्तेमाल कर चुके हैं, कुछ बचा नहीं है। तो आगे जाकर क्या अपोजिशन को जीत होगी, अदम एतमाद तहरीक को कामयाब होगी? असल जीत तो ये नहीं है, इनमें एतमाद तो हो जाएगी। असल उसके बाद जीत कहें जो भी कहें, इम्तहान उसके बाद आएगा। अच्छा, अंपायर इस वक्त न्यूट्रल है? देखिए ना, एक तो ये इस चीज़ पर बहस होनी ही नहीं चाहिए, वो क्यों न्यूट्रल ना होगा। एक तो देखिए ना, एक एम्पायर क्या, कौन सी बला होती है, ठीक है ना, एम्पायर कौन सी बला होती है, अगर कोई है तो उनका नाम पर लेना चाहिए, ठीक है ना, ये एम्पायर कौन सी बला होती है। अच्छा, कल वज़ीर आज़म अपने एम्पायर जो होता है ना वो आवाम को होना चाहिए, किसी और को। अच्छा, कल वज़ीर आज़म अपने खिताब में बार बार एक वार्न कर रहे थे कि मैं बता दूंगा कि मौला फजल रहमान और उनको कौन से है, वो वैसे अच्छा आखिर में लोगों को जबरदस्ती पूरी तकवीर उनको सुनवाई। अच्छा, आखिर में मैं ये पूछना चाहूँगा, अली वज़ीर की रिहाई के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? लेकिन रिहाई तो बाद में, फिलहाल तो प्रोडक्शन आर्डर भी जारी नहीं हो रहा ना, वो उनके रिहाई के लिए भी एक सीन बनेंगे, लेकिन फिलहाल तो प्रोडक्शन आर्डर, पिछले दिनों भी उनका स्पीकर ने कहा, जमा तो कराई थी हमने दरख्वास्त, आज फिर अपोजिशन के नुमाइंदगान का एक वफद गया है, तो उन्होंने कहा कि मैं इशू करता हूँ, अब देखते हैं वो करते नहीं करते।